5 अगस्त का दिन, पूरे देश का ध्यान अयोध्या के मंदिर पे था। मेरा ध्यान एक दूसरे मंदिर पे था, ये दिल्ली में हमारे न्याय का जो मंदिर है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो भी मंदिर है, न्याय का मंदिर है इस देश का सबसे बड़ा। तो न्याय के मंदिर पे मेरा ध्यान था, क्योंकि उसमें कल और आज दो बहुत अभूतपूर्व सुनवाई हुई। और आज का ये विशेष बुक लाइव, फेसबुक लाइव, आपसे इन दोनों सुनवाई के बारे में बात करने के लिए है कि कोर्ट में हुआ क्या। आमतौर पे कोर्ट में जो बातें होती हैं इतना कानूनी लैंग्वेज में होती हैं कि हम भी सोचते रह जाते हैं, पता नहीं क्या कहा, क्या मामला था, पता नहीं क्या तकनीकी पेच था। तो मैं साधारण भाषा में समझाना चाहता हूं कि ये मामला था क्या, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। इमरजेंसी के दिनों में 1975-76-77 के बीच, सन 76 में एक प्रसिद्ध केस आया था जिसको एडीएम जबलपुर केस कहा जाता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस केस में असली सवाल ये था कि इस वक्त इमरजेंसी देश में है तो क्या किसी व्यक्ति को गोली मारी जा सकती है? अगर किसी व्यक्ति के जान ले ली जाए तो क्या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आके, वो व्यक्ति, उसकी तरफ से कोई और व्यक्ति आके सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है कि आपने जान कैसे ली, आपने मौलिक अधिकारों का हनन कैसे किया? यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और दुर्भाग्यवश उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हां, इमरजेंसी है, ऐसे में किसी भी फंडामेंटल राइट्स का कोई महत्व नहीं है और इसे छीना जा सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एडीएम जबलपुर को एक तरह का धब्बा माना जाता है। जब भी कानून की पढ़ाई होती है, लोग याद दिलाते हैं कि एडीएम जबलपुर जैसा मामला तो नहीं हो जाएगा कहीं पे। प्रशांत भूषण के बारे में जो सुनवाई चल रही है, ये सुनवाई उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना एडीएम जबलपुर वाला केस था। ये केस प्रशांत भूषण पे नहीं है, ये केस आप पे और मुझ पे है, इस देश के हर नागरिक पे है जो अपनी आवाज खोलता है, जो अपना मुंह खोलता है, जो सच को सच कहता है, झूठ को झूठ बोलता है, जैसे मैं इस वक्त आपके सामने बोल रहा हूं। आप भी अपनी तरफ कहीं बोलते होंगे। देश का जो नागरिक खुल के बोलता है, उसको इस केस के बारे में ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि प्रशांत भूषण केवल नाम है। ये केस इस देश के हर ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि सच्चाई को, जो न्याय को, जो स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति को और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को महत्व देता है। आप जानते हैं इनके बारे में दो केसेस हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूं। ये दो अलग अलग केसेस हैं जो एक साथ अचानक उठाए गए हैं। एक केस है जो 2009 में शुरू हुआ था, जिसके बारे में मैं विस्तार से पहले आपको बता चुका हूं। ये केस 2012 तक चला और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते फैसला किया इसकी सुनवाई करने। और दूसरा केस है 27 और 29 जून को दो ट्वीट प्रशांत भूषण जी ने किए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने अचानक संज्ञान लिया और उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई। आपको ध्यान ही होगा, इसके बारे में मैं 4-5 सवाल पहले भी उठा चुका हूं। नंबर एक, कि जब पूरा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कह रहा है कि हम केवल मोस्ट अर्जेंट मामलों को ही सुनेंगे और इतने बड़े बड़े मामलों को सुन नहीं रहा, ऐसे में अचानक दो ट्वीट और 8 साल पुराना केस कैसे याद आ गया? दूसरा, वो कोर्ट जो इतना स्लो काम करता है, आज की सुनवाई, 6 हफ्ते बाद अगली सुनवाई, वो कोर्ट अचानक इतना द्रुत गति से कैसे काम करने लग गया? तीसरा, 31 लोगों के सुप्रीम कोर्ट में ले दे के यही 3 लोगों की बेंच क्यों मिली? अरुण मिश्रा जी जस्टिस जो है, न्यायमूर्ति, केवल उन्हीं की बेंच को दोनों केस क्यों दिए गए, जबकि उनके बारे में प्रशांत भूषण और उनकी कुछ खुली तल्ख बहसें हो चुकी हैं। उनके बारे में प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, उनको केस क्यों दिया गया? चौथा सवाल ये कि इसका मामले की जो पिटीशन जिसके आधार पे किया जा रहा था, ये 2 ट्वीट वाला मामला, वो पिटीशन तो ऐसी है जिसको किसी सेशन जज के सामने आप रख देंगे, वो फेंक देगा, कहेगा ऐसी बेकार पिटीशन में कैसे एंटरटेन कर सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जगह क्यों निकाल रहा है? ये सब सवाल मैंने पहले उठाए थे, बताए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि संज्ञान लेगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुनवाई होगी। तो कल और आज इन दोनों मामलों की सुनवाई हुई है। कल यानी कि 4 अगस्त को पुराने वाले मामले की सुनवाई हुई जो 2009 में शुरू हुआ था। प्रशांत जी ने तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि तब से, उससे पहले जो 16-17 जज आए थे उनमें से आधे कम
करप्ट हैं, और दूसरा मुकदमा जो एसएमएस वाला था उसकी सुनवाई आज हुई। कल की सुनवाई में हुआ क्या उसके बारे में काफी लोगों के मन में संदेह है, क्योंकि कल बड़ी अद्भुत बात हुई। इस केस के अंदर कुछ भी बात साधारण नहीं हो रही, बड़े अनोखे काम हो रहे हैं। केस में सुनवाई हो रही है वेबसाइट के जरिए, जो कि सब जगह पे आजकल हो रहा है। ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, प्रत्यक्ष कोर्ट तो खुला नहीं है। लेकिन उस ऑनलाइन सुनवाई में, वैसे ही ऑनलाइन सुनवाई में बहुत कम लोगों को इजाजत होती है, केवल जो पक्ष हैं, फिर उसके बाद जो उनके वकील हैं, और कुछ थोड़े से मीडिया के लोगों को उसके अंदर अनुमति होती है। कल 4 अगस्त को इस केस की सुनवाई शुरू हुई, और आपको ध्यान है मैंने कहा था कि हाँ सुनवाई होने दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। मैंने कहा था मैं स्वागत करता हूं, और अगर इस सुनवाई के अंत में पूरी चीजों की जांच करके, एक फेयर ट्रायल करके, फुल और फेयर ट्रायल करके, अंत में अगर यह साबित होता है कि प्रशांत भूषण ने झूठे आरोप लगाए थे, ये जानते हुए झूठे आरोप लगाए थे कि झूठ बोल रहे हैं, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम करने के लिए झूठे आरोप लगाए थे, तो प्रशांत भूषण को सजा दीजिए। लेकिन उससे पहले फुल एंड फेयर ट्रायल कीजिए। प्रशांत भूषण ने जो एफिडेविट में लिख के दिया है उन पर बात हो। उन्होंने, प्रशांत भूषण ने कहा कि ठीक है आप कहते हैं मैं अनर्गल आरोप लगाता हूं। उन्होंने 18 में से 8 जजों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जमाने तक के थे जो 1991 से 2010 के बीच में थे, उनके बारे में लंबा हलफनामे 3 दिए थे, सब कुछ था, इस पे चर्चा हो जाए। लेकिन वो हुआ नहीं, कुछ अजीब हुआ। कल जब चर्चा शुरू हुई तो माननीय अरुण मिश्रा जी, जो उस बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने चर्चा शुरू होते ही प्रशांत जी के जो वकील राजीव धवन जी, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ वकीलों में से एक हैं, उनसे कहा मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूं। और वेबसाइट, वो जो पूरा हियरिंग होती है जूम कॉल या जिसके भी थ्रू होता होगा, उसको म्यूट कर दिया गया। ओपन हियरिंग का नियम है, ओपन हियरिंग किस लिए होती है, ताकि पीछे से कुछ बातचीत ना हो, जो हो जनता के सामने हो, कोर्ट में हो, खुले कोर्ट में हो, बिल्कुल ये मर्यादा है कोर्ट की। और वहां हुआ क्या, जूम को म्यूट कर दिया गया, और फिर जज साहब की तरफ से, और वो बोलते जा रहे, राजीव धर्म बोल रहे हैं लेकिन उनका तो फोन म्यूट है, फिर उनको मैसेज गया कि आप अपना फोन उठाइए, जज साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो खुला कोर्ट चुप बैठा है, जूम है वहां पे, सब कुछ म्यूट किया हुआ है, और जज साहब फोन पे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये बात तो राजीव धवन ही बता पाएंगे, लेकिन कल जो प्रशांत भूषण जी का शाम को बयान आया, उससे ऐसा लगता है कि जजेस की तरफ से ऐसा इशारा किया जा रहा था कि तुम माफी मांग लो, माफी मांग लो, बिना शर्त माफी मांग लो, तो हम इस केस को बंद करने को तैयार हैं। ऐसा मेरा अनुमान है प्रशांत जी का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, लेकिन ये सही बात तो प्रशांत जी या राजीव धवन ही बता पाएंगे कि क्या बात हुई थी। लेकिन मामला ले दे के कुल माफी का था, ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके बाद तरुण तेजपाल, जो कि दूसरे व्यक्ति जिन पे केस चल रहा था, उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली। लेकिन प्रशांत भूषण तो प्रशांत भूषण है, उन्होंने माफी नहीं मांगी। प्रशांत भूषण ने कहा हाँ मैं इतना कहने को तैयार हूं कि अगर मेरे कहने से उन पुराने जजेस जो ज्यादातर अब नहीं रहे हैं, उनमें से जो हैं या उनके परिवार वालों को अगर कष्ट पहुंचा हो, तो मुझे इसका खेद है कि उन्हें कष्ट पहुंचा। लेकिन प्रशांत भूषण ने ना तो यह कहा कि मैं माफी मांगता हूं, ना उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की, ना ही उन्होंने अपने एफिडेविट में जो कुछ कहा उसका एक शब्द भी वापस लिया। तो ये मामला और खींचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उसकी सुनवाई शुरू की। ऐसा लगता है कहीं कि शायद एक स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि हाँ ठीक है अगर तुम इतना भी कह देते हो तो हम मामले को बंद कर देंगे, शायद, मैं नहीं जानता, ऐसा स्टेटमेंट पढ़ के अनुमान लगता है। इसकी पूरी सच्चाई आनी चाहिए क्योंकि ये बातें खुले कोर्ट में होनी चाहिए थी, इसमें क्या छुपी हुई बात है। आप खुले कोर्ट में कह सकते थे तुम माफी मांगो। ये बंद लिफाफे का जो जुरिस्प्रूडेंस है, ये जो पिछले कुछ समय से चल रहा है, चीजें सील बंद लिफाफे में दी जाएंगी, अब बंद करके, म्यूट करके, फोन पे अलग से बात होगी, मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से ये तो कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। बाकी समझदार लोग हैं, आप में से वकील भी होंगे, आप बेहतर बताएंगे, मेरे विचार से न्याय की प्रक्रिया नहीं है। जो भी हो, इतनी बातचीत के बाद कोई 1.25 घंटे तक कोर्ट बंद रहा, मेरे जैसे लोग ढूंढते रहे ट्वीट पे, भाई कुछ पता लगे वहां पे हो क्या रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि
ये दो लोगों ने एक्सप्लेनेशन स्ट्रोक अपॉलोजी, अपनी एक्सप्लेनेशन या अपॉलोजी इनकी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। जब आएगी तब हम विचार करेंगे, विचार करेंगे, अगर हमें स्वीकार नहीं हुई तो हम मामले की पूरी सुनवाई करेंगे। यानी कि फैसला लटका हुआ है। मेरी समझ के हिसाब से प्रशांत जी ने जो कहा वो खैर अपॉलोजी तो नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उससे संतुष्ट है तो भाई 8 साल पहले वाला मामला उठाया ही क्यों था? ये तो प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में सब बातें लिख रखी थी, इसमें क्या नई बात है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है तो मामला वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, जैसे मिस्टीरियसली खुला था वैसे मिस्टीरियसली बंद हो जाएगा, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका रह जाएगी कि प्रशांत भूषण ने एफिडेविट में ऐसी कुछ बातें लिखी थी जिसे खोलने से सबको डर था। और शांति भूषण जी ने भी एक एफिडेविट दे रखा है बंद लिफाफे में कि आप इसको खोलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका रहेगी कि प्रशांत भूषण ने एफिडेविट में जो लिखा है उसकी खुली चर्चा और खुली सुनवाई में लोगों को संकोच है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में आशंका है कि ये मामले की खुली सुनवाई हो गई तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां जैसा मैंने बताया प्रशांत भूषण ने 8 चीफ जस्टिस के बारे में करप्शन की एविडेंस दी है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि करप्शन का मतलब केवल रिश्वत लेना नहीं है, अमर्यादित व्यवहार कोई भी हो, जैसे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने बाद में राज्यसभा की मेंबरशिप एक्सेप्ट कर ली थी, उन्होंने इन सब चीजों को करप्शन बोला और उसके सबूत दिए हैं। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा होती? खैर अभी हमें पता नहीं, ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा कि क्या हुआ है। आज के केस में क्या हुआ? आज वो केस था जो कि ऐसे दो ट्वीट के बारे में, आपको ध्यान होगा एक मोटरसाइकिल वाला ट्वीट था और दूसरा ट्वीट वो था जिसमें प्रशांत भूषण कहते हैं कि पिछले 6 साल से इस देश में लोकतंत्र की हद को नष्ट किया गया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और खास तौर पे पिछले 4 मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पे बहुत पर टिप्पणी करेगा भविष्य का इतिहासकार। दोनों पे चर्चा शुरू हुई। इसमें प्रशांत जी की तरफ से वकील थे दुष्यंत दवे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने शुरू में कई सवाल उठाए और वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे हियरिंग हुई कैसे? कम से कम 5 सवाल थे जिस पे पहले चर्चा होनी चाहिए थी। पहला जो दुष्यंत दवे जी ने शुरू में ही उठाया कि ये केस तो आपके सामने आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नियम ये है कि कंटेम्प्ट लॉ के तहत अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कहूं कि उसने न्यायालय की अवमानना की है और मैं मुकदमा उठा के लगा दूं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के पास जाएगी, अटॉर्नी जनरल उसकी जांच करेंगे और कहेंगे कि हाँ ये मामला कुछ गंभीर लगता है, फिर न्यायाधीश के पास जाएगा कि अब आप इसके ऊपर विचार कीजिए। ये तो न्याय अटॉर्नी जनरल के पास गया ही नहीं। तो पहला सवाल जो दुष्यंत दवे ने उठाया कि जब ये नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, बिल्कुल स्पष्ट कंटेम्प्ट के लॉ में लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल के पास जाए बिना एक केस आ नहीं सकता, तो आपने इसका संज्ञान कैसे ले लिया? या तो आप स्वतः ही संज्ञान लेते, वो बिल्कुल एक अलग मामला होता, या अटॉर्नी जनरल के रूट के थ्रू आए, ये दोनों चीज कैसे हो सकती हैं? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ इस पिटीशन के ऊपर हम स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं जजेस साहब ने क्या जवाब दिया, मुझे तो कम से कम पता नहीं लगा, लेकिन मैं तो कोई सुन नहीं रहा था, मैं तो केवल ट्वीट पढ़ रहा था लाइव लॉ के और बार एंड बेंच के, जिससे पता लगता है कि क्या कुछ कार्यवाही हो रही थी। जो भी हो, जजेस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरा मामला क्या था? इस मामले में 16 लोगों ने, अरुणा रॉय और इस देश के 16 प्रतिष्ठित लोगों ने कहा था अगर प्रशांत भूषण इसमें दोषी हैं तो कृपया आप हमें भी इसमें पार्टी बनाइए, हम भी वो कहना चाहते हैं, हम भी इसके दोषी हैं, आप हमें इस केस में इंप्लीड करने की, इस केस में जुड़ने की अनुमति दीजिए। अनुमति देनी चाहिए या नहीं, ये फैसला कोर्ट को करना था, लेकिन कल इसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री जो है वहां के एक डेप्टी रजिस्ट्रार साहब ने इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि एक ऑनगोइंग केस में गड़बड़ और दखलंदाजी करने का, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अरे भाई, ऑब्स्ट्रक्ट करने की तो सोच नहीं रहे थे लोग, तो कह रहे थे हम इससे जुड़ना चाहते हैं, इम्प्लीड करना सामान्य होता है, जैसे शांति भूषण जी ने पुराना जो प्रशांत भूषण वाला केस था उसमें इम्प्लीड किया, जुड़े वो उस केस में। कोर्ट को फैसला करना चाहिए ना कि इनको जुड़ने देना चाहिए या नहीं।
नहीं नहीं हुआ। इसी तरह से बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी फाइल की थी, उसकी भी खारिज कर दी गई। तो दूसरा ये प्रोसीजरल मामला। तीसरा प्रोसीजरल मामला ये कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट में तीन लोगों ने, एन राम जो कि द हिंदू अखबार के एडिटर हुआ करते थे, अरुण शौरी जो देश के प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी थे उन्होंने, और प्रशांत भूषण, इन तीन लोगों ने मिलकर इस कानून को चुनौती दी है कि ये जो कंटेम्प्ट का कानून है, ये कानून अपने आप में संविधान सम्मत है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मेरी मोटी बुद्धि ये कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी कानून पर विचार हो रहा है तो फिर पहले उस पर विचार कर लीजिए। यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो सही बात ये होनी चाहिए ना, पहले उस पर विचार कर लीजिए कि वो कानून न्याय सम्मत है या नहीं है, और अगर न्याय सम्मत है तो फिर ठीक है, उसके अंदर ट्रायल कीजिए। मेरे विचार से तो पहले उस पर होना चाहिए था विचार, इस पर कोई विचार नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कोर्ट के अंदर। चौथा सवाल जो उठना चाहिए वो ये कि प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी ये कहते हुए, कंटेम्प्ट नोटिस आने के बाद ये कहते हुए कि आप और किसी जज को एक केस दे दीजिए, माननीय अरुण मिश्रा जी जो हैं उन्होंने मेरे बारे में खुले कोर्ट में एक नहीं कई बार टिप्पणी की है, क्योंकि मैंने उनके कंडक्ट पे कई बार पब्लिक में सवाल उठाए हैं। ऐसे में प्रशांत भूषण ने कहा मुझे पूरा न्याय मिल सके इसके लिए आप जस्टिस अरुण मिश्रा नहीं किसी और बेंच में लगा दीजिए इस केस को। क्या होना चाहिए? सामान्य की बात है भाई, अगर कोई मेरे से कहे कि तुम मेरे को ठीक न्याय नहीं दोगे, मैं कहूंगा ठीक है भाई मैं तो न्याय दूंगा, मुझे अपने न्याय में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में एक क्षण के लिए भी ये बात आई है कि मैं न्याय नहीं करूंगा, लो मैं हट गया, किसी से करवा लो। सीजेआई 31 में से किसी लोगों को दे सकते थे। प्रशांत भूषण ने लिख के पिटिशन दिया था, क्या इस पे विचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप सोच लीजिए। और पांचवा सवाल, अटॉर्नी जनरल की राय। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की राय शुरू में नहीं ली गई, कायदे से तो शुरू में ली जानी चाहिए थी। आज की हियरिंग में अटॉर्नी जनरल बैठे हुए थे माननीय वेणुगोपाल जी। अटॉर्नी जनरल केवल सरकार का वकील नहीं है, सरकार को और देश को और सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार है वो। तो दुष्यंत दवे जी ने कहा जी सुबह से बैठे हुए हैं, इनकी राय भी सुन लीजिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो कि स्वयं पहले कह चुके हैं कोर्ट के सामने आके, एक बार नहीं कई बार जब वो वकील हुआ करते थे, वो खुद कंटेम्प्ट के कानून का विरोध कर चुके हैं। इसलिए देश को जानना बड़ा जरूरी था कि वो वेणुगोपाल जी जो कल तक पूरे देश को कहा करते थे कि एक कंटेम्प्ट का कानून गलत है, वो आज कोर्ट के सामने क्या पोजिशन लेते हैं, जानना जरूरी है ना। तो दुष्यंत दवे ने कहा कि कानून कहता है कि अटॉर्नी जनरल को सुनिए आप, उसकी राय दर्ज कीजिए। कोर्ट ने कहा छोड़िए छोड़िए, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम कर लेंगे। ऐसा हो सकता है, मैं तो कोई कानूनविद नहीं हूं, पर मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से जो हो रहा है ये तो ठीक नहीं होता। खैर, तो इन सारे मामलों को झाड़ते हुए ये एक नहीं पांच सवाल थे, और मेरे को तो लग रहा था आज इन पांचों सवालों पर बात होगी। मेरे को तो लग रहा था पहले दूसरे सवाल पर अटक जाएगा, उसके अंदर उत्तर मिलना चाहिए इन चीजों का। बेंच ने फटाफट करते गए, नहीं छोड़िए छोड़िए, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। कुछ सवाल उठे, कुछ सवाल उठे ही नहीं आज। फिर कोर्ट ने पूछा कि ये दो ट्वीट सही हैं क्या? दुष्यंत दवे ने कहा साहब पहला जो ट्वीट है ये तो पूरी तरह से फैक्चुअल है, इसमें तो केवल फैक्ट्स बताए गए हैं। जज साहब ने पूछा इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स है, फिर बोले नहीं नहीं मैं हंसी में पूछ रहा था। कहना तो ये चाहिए था सर कि वो जो पिक्चर थी उसमें कुछ पॉलिटिक्स थी क्या, ये सवाल भी पूछना चाहिए था। खैर, मैं भी हंसी में कह रहा हूं। जो बड़ा सवाल था वो था दूसरी ट्वीट को लेके, जहां प्रशांत भूषण जी ने पिछले चार सीजेआई के बारे में बात की थी, और प्रशांत भूषण जी ने परसों कोर्ट के सामने लंबा एफिडेविट दिया। 134 पेज का एफिड दे के प्रशांत भूषण ने कहा कि हाँ मैं इस ट्वीट के एक एक शब्द पे का है। प्रशांत भूषण ने स्पष्ट कहा कि ये जो जज वाला था, ये जो मोटरसाइकिल वाला था, उसमें एक गलती थी कि साहब मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ा था, जब स्टैंड पे खड़ा होता है तो आपके लिए हेलमेट अनिवार्य नहीं होता, ये मेरे से भूल हुई है, इसके अलावा इसमें कोई गलत बात मैंने नहीं लिखी है। और दूसरे पे उन्होंने कहा मैंने सही बात लिखी है, पिछले 6 साल से देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत बुरी रही है। प्रशांत भूषण ने एक नहीं तमाम लंबे उदाहरण दिए, और
पिछले चार सीजेआई में एक एक का नाम लेके प्रशांत भूषण के एफिडेविट ने एक एक के कंडक्ट के बारे में कहा है, वहां करप्शन का आरोप नहीं है। ये याद रखिए, इन चार सीजेआई के विरुद्ध प्रशांत भूषण ने करप्शन का आरोप नहीं लगाया है, करप्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने केवल ये कहा है कि इन चार सीजेआई के वक्त देश में बिना इमरजेंसी लगाए हुए जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका दुखदायी रही है। उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और प्रशांत भूषण के एफिडेविट ने एक नहीं लंबी लिस्ट गिनाई है जजेस को क्या क्या करना चाहिए था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। जस्टिस केहर के जमाने में जब कलिकोपुल का केस आया, सुइसाइड नोट वाला, आपको याद दिला दूं, बिरला सहारा केस आया, उसके बारे में उन्होंने कहा क्या होना चाहिए था, क्या हुआ। जस्टिस दीपक मिश्रा के जमाने में एक नहीं न जाने कितने केसेस आए, और उन्हीं का जमाना था जबकि चार जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज दुष्यंत दवे जी ने हवाला दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि लोकतंत्र को खतरा है, सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है उससे लोकतंत्र को खतरा है। प्रशांत भूषण ने बोल दिया तो क्या हो गया? आप उन जज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे जिन्होंने बोला था? दुष्यंत दवे ने सवाल आज पूछे। उसके बाद आए जस्टिस गोगोई, जिनके अगेंस्ट खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा आया। दुष्यंत दवे ने आज कोर्ट से पूछा कि साहब, जिस महिला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरुद्ध आरोप लगाए थे, उस महिला को आपने नौकरी भी वापस दे दी, सब कुछ उसके खिलाफ जितने एक्शन लिए थे सब एक्शन वापस ले लिए, इसका मतलब जो वो बोल रही थी सच ही बोल रही थी ना? अगर उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए थे तो आपने उसे वापस नौकरी क्यों दे दी? और अगर वो सच्ची थी तो फिर प्रशांत भूषण इसके बारे में क्यों नहीं बोल सकता? सारा देश जिस सवाल पे बोल रहा था, सीजेआई के विरुद्ध मुकदमा, शनिवार के दिन वो विशेष बेंच खोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे शनिवार को खुद खुलवाते हैं, खुद उस बेंच में बैठते हैं, सुनवाई करते हैं, अंत में साइन नहीं करते। दुष्यंत दवे ने पूछा, ये सही बात थी क्या? इस पे सवाल नहीं उठने चाहिए क्या? उन्होंने सवाल उठाए। और उसके बाद वर्तमान सीजेआई के काल में कितने महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पे चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए था। पूरा देश पूछ रहा है कि इन सवालों पे चर्चा क्यों नहीं होती। प्रशांत भूषण ने सवाल पूछ के क्या जुर्म किया है? ये सब सवाल दुष्यंत दवे ने आज कोर्ट के सामने उठाए। मैं उन्हें सलाम करता हूं। आज भी इस देश में कम से कम कुछ वकील तो बचे हैं जो खड़े होके आंख में आंख डाल के बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहता है जब तक ये हिम्मत बची रहती है। उन्होंने सब सवाल पूछे और पांच जो बड़े सवाल थे, अंत में कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद, जैसे मैंने कहा, अंत में दुष्यंत दवे ने आग्रह किया कि वेणुगोपाल जी, माननीय अटॉर्नी जनरल जी बैठे, इनकी जरा राय सुन ली जाए। वो बैठे रहे, वो थे वहां पे, हियरिंग में सामने बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने, बेंच ने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसके बारे में बहुत दिनों तक सवाल पूछे जाएंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कि ठीक है, हमने सुन लिया है, अब हम ऑर्डर को रिजर्व करते हैं, जो कि एक सामान्य प्रोसेस है। सुनवाई पूरी होने के बाद जजेस ऑर्डर को रिजर्व करते हैं, ऑर्डर किसी दिन दे दिया जाता है। यानी कि दोनों मामलों में, कम से कम दूसरे मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मेरी कम से कम उम्मीद रहती कि इनमें से कुछ चीजों पे विस्तार से बात हो सके। दुष्यंत दवे ने हिम्मत से सवाल पूछे, उन्होंने तो ये भी पूछ दिया कि साहब, सारे पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले जो हैं वो कुछ खास बेंच को ही क्यों दिए जाते हैं? उन्होंने नाम लेके जज साहब का बोला और कहा कि फला जज साहब को कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस क्यों नहीं दिया जाता। ये सब हुआ, कम से कम कुछ बात हुई। मेरी उम्मीद थी कि इसके बारे में जज साहब सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब होगा, पूरी एविडेंस सामने आएगी। मेरी उम्मीद थी कलिकोपुल केस से लेके और अब प्रवासी मजदूरों के केस तक, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस था वो, और जो मेडिकल कॉलेज वाला प्रसिद्ध कुप्रसिद्ध कुख्यात केस जो दीपक मिश्रा जी के जमाने में हुआ था, उन तमाम केसेस के बारे में एक एक के बारे में चर्चा होगी। पूछा जाएगा प्रशांत भूषण से, बताओ तुम्हारे कहने का क्या आधार है। हालांकि प्रशांत भूषण ने इतने लंबे आधार लगा रखे थे कि उसके बाद किसी को पूछने की गुंजाइश क्या थी। मैं चाहता था इस पर चर्चा हो, उतनी चर्चा तो नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी।
लेकिन कम से कम दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी। तो पहले केस में सुनवाई पूरी हो गई है, दूसरे केस में अभी हमें पता नहीं कि सुनवाई पूरी हो गई है या नहीं हुई है। प्रशांत भूषण ने एक स्टेटमेंट दिया है, दुष्यंत दवे और उधर तरुण तेजपाल जी ने अनकंडीशनल माफी मांगी है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि उसके अंदर और सुनवाई होगी या नहीं। आप सबकी तरह मेरी भी उम्मीद है कि सुनवाई हो। मैं चाहता हूं उन्हें एक एक चीज के बारे में चर्चा हो। मैं नहीं चाहता कि इसका बस अचानक ढक्कन बंद कर दिया जाए। अगर ढक्कन बंद करने से प्रशांत भूषण बच जाते हैं तब भी मैं नहीं चाहता कि ढक्कन बंद किया जाए। अगर 8 साल बाद आपने कोई ढक्कन खोला है तो अब जरा चर्चा हो ही जाए। इस देश के हित में है कि यह चर्चा हो, पता लगे इस देश को कि सच्चाई क्या है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगता है, फेयर एंड फुल ट्रायल हो। और मैंने तब भी कहा था, फेयर एंड फुल ट्रायल का मतलब यह है ओपन के कोर्ट में ट्रायल कीजिए। जिस समय कोर्ट इतना क्लोज्ड है, बहुत कम लोग देख पाते हैं, वैसे में आप इतना महत्वपूर्ण मुकदमा क्यों कर रहे हैं? जिस मुकदमे को 8 साल तक सुनने की आपको फुर्सत नहीं थी, उसको 8 हफ्ते में निपटाने की जल्दबाजी क्या आ गई है? ओपन कोर्ट में कीजिए। नंबर दो, एक फेयर ट्रायल हो, और अगर फेयर ट्रायल के लिए प्रशांत भूषण कहता है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ना हो, और जस्टिस अरुण मिश्रा स्वयं ना हो, बाकी दो पे उन्हें कोई एतराज नहीं है, अरुण मिश्रा ना हो, तो क्यों नहीं इस बात पे गौर किया जाए? इससे सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट कह सके कि ठीक है, तुम्हें शक है, तुम्हारा शक गलत भी हो, तब भी हम बेंच को बदल देते हैं, बताओ क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा बढ़ेगी, इससे घटेगी नहीं। और नंबर तीन, इसकी पूरी चर्चा हो, थोड़ी नहीं, इसकी आधी चर्चा ना हो, इस केस की पूरी चर्चा हो, पूरी एविडेंस को किया जाए, क्योंकि इसके बारे में अब तक कभी चर्चा हुई नहीं है। पूरी एविडेंस को लिया जाए, काउंटर एविडेंस मांगी जाए, सारा सच देश के सामने आए। अगर वो आता है तो निर्णय जो भी हो वो सर झुका के स्वीकारना चाहिए, क्योंकि निर्णय कभी आपकी पसंद का नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट है, न्यायाधीश है, जो उन्हें लगता है न्याय है उसके हिसाब से दें, लेकिन इतना कहना तो हमारा फर्ज है और हक है कि चर्चा पूरी हो, हियरिंग कंप्लीट की जाए, खुले कोर्ट में की जाए, फेयर तरीके से की जाए। अगर उसके बाद प्रशांत भूषण को सजा मिलती है तो मैं कहूंगा कि मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि प्रशांत भूषण जो कह रहा है वो झूठ है। केवल ये नहीं, कल जस्टिस मिश्रा बार बार कह रहे थे कि करप्शन शब्द आपने इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, बस करप्शन, उन्हें करप्ट कहना अपने आप में अवमानना है। प्रशांत भूषण ने कहा, पर अगर मेरे पास एविडेंस हो तो कैसे अवमानना है? आप एविडेंस तो देख लीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि करप्शन का मतलब, और ये कोर्ट्स के अंदर साबित है, करप्शन का मतलब केवल फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तो चर्चा तो होनी चाहिए। अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि हाँ, प्रशांत, पूरी जांच करके कि प्रशांत भूषण की बात झूठ है, इसलिए झूठ है, उसने जो एविडेंस दिया है इस तरह से गलत है, इस तरह से गलत है, जैसे कोर्ट में कहा जाता है, पूरा बताया जाता है कि एक पक्ष ने ये एविडेंस दिया है, हमारे हिसाब से ये एविडेंस इसलिए गलत है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये करके बताता है कि प्रशांत भूषण की बात झूठी है, वो जानते थे झूठी है, जानबूझ के ऐसी बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम करने के लिए कही है, बिल्कुल सजा दीजिए, पूरा देश आपके साथ होगा, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों को लगे कि ये तो यार पहले से ही तय था, होगा नहीं, मैं नहीं मानता कि पहले से तय था, लेकिन जब इस तरह से अचानक 8 साल पुराने केस निकाले जाते हैं, झटपट में ट्रायल होता है, तो बाहर बैठे लोग क्या करते हैं? जितने मुंह उतनी बात। लोग तो कहेंगे साहब, प्रशांत भूषण को सेट करना, ये तो पहले से तय था, हमें तो पता है। बहुत लोग आज भी कहते हैं, अरे योगेन जी, आप क्यों इतनी लंबी लंबी फेसबुक करते हैं, मैं आपको बता देता हूं इसका फैसला क्या होगा, ये तो पहले से तय है कि इसका फैसला क्या होगा। मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे आज भी सर्वोच्च न्यायालय की संस्था में विश्वास है। जैसा मैंने शुरू में कहा, यह मंदिर है, इस मंदिर में आस्था हमें रखनी होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय रूपी मंदिर में आस्था रखने का मतलब है संविधान में आस्था रखना, गणतंत्र में आस्था रखना, हमारे लोकतंत्र में आस्था रखना, क्योंकि अगर हमारे संविधान पे हमला होता है
तो उसे बचाने वाला अंतिम पहरेदार सुप्रीम कोर्ट है। इस कोर्ट में हमें आस्था है और इसलिए आपको हमें देखना होगा कि इस कोर्ट में ऐसा कुछ ना हो जिससे इस कोर्ट के प्रति लोगों की आस्था कम हो। मुझे विश्वास है कि इसके बारे में साधारण लोग जो सोच के बैठे हैं कि ये खुंदक का मामला है, ये तो खुंदक निपटानी है, प्रशांत भूषण को तो कुछ ना कुछ ठोकना ही है, मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट अपने रीजन से, अपने हियरिंग में जिस तरह प्रोसीजर अपनाएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको गलत साबित करेगा। हमें आपको देखना होगा कहीं ये एडीएम जबलपुर दोबारा ना बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो संविधान बचाने के लिए जनता को सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा बचाने का प्रयास करना होगा। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था मेरे साथ आज कानूनविद हमारे साथी अविक साहब भी आए, लेकिन तकनीकी कारण से संभव नहीं हो पाया। अगली बार उनको लाएंगे, आपके सवाल जवाब का भी लंबा उसका पूरा जवाब देंगे, क्योंकि तब एक टेक्निकल व्यक्ति होगा ना। अगर आप अभी मेरे से पूरे टेक्निकल कानूनी सवाल पूछने लग जाएंगे मैं कैसे जवाब दूंगा। एक साथी को लेके आऊंगा, और उम्मीद है कुछ दिन में प्रशांत जी को भी हम इसमें लाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे।